लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये जो सॉन्ग है कुछ सरकार हमारी और हम ही सरकार है। हाँ तो बुलाइए आपके टीआई को, बोल दीजिए पंचायत मंत्री का भतीजा बैठा है यहाँ, जो फाड़ना फाड़ ले। चलो कोई एक गर्मी में बात करने, कल भी आए थे एक हमारे यहाँ गुना में उदयराज सिंह सिसोदिया ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल गुना में शादी समारोह में देर रात डीजे बंद कराने पुलिसकर्मी पहुंचे थे। इस शादी में मंत्री जी के भतीजे भी आ गए। जब पुलिस ने नियमों का हवाला देकर डीजे बंद कराने के लिए कहा, जिस पर वहां मौजूद उदयराज भड़क गए और पुलिस वालों को खूब भड़काया, और जब उनका इससे दिल भी नहीं भरा तो पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। ये जो सॉन्ग है कुछ सरकार हमारी और हम ही सरकार है। हाँ तो बुलाइए आपके टीआई को, बोल दीजिए पंचायत मंत्री का भतीजा बैठा है यहाँ, जो फाड़ना फाड़ ले। चलो कोई एक गर्मी में बात करने, कल भी आए थे एक हमारे यहाँ गुना में पुलिस के इस तरह बेइज्जती होने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस मामले में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि वे इलाज के लिए फिलहाल मुंबई में हैं। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो उनका रिश्तेदार नहीं है। फिलहाल इस मामले में जिस युवक पर आरोप लगाए गए हैं उसने खुद का एक वीडियो जारी करते हुए सफाई पेश की है। उदयराज सिंह ने बयान देते हुए कहा कि पंचायत मंत्री से उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो केवल मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का निवासी है। क्या आपका रिलेशन है? मेरा रिश्ता नहीं है, मेरी विधानसभा के वो विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में। इस वजह से मैंने आभूष में आके ये बोल दिया। मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ कि पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के नाम लेके मैंने कुछ गलत बात बोली हो, उस वजह से सभी को ठेस पहुँची हो मेरी ओर से, तो मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस युवक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पंचायत मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि वो उदयराज सिंह को बिल्कुल नहीं जानते। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।